खजराना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर चंद कदमों के फासले पर साइकिलिंग करते हुए घर जा रहे अधिवक्ता साजिद अली की एक ऑटो से कटबाजी हुई थी। विवाद बढ़ा, नशे में धुत बदमाश तरबेज ने एक के बाद एक अधिवक्ता साजिद अली पर कई जानलेवा वार किए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कई ठिकानों पर दी दबिश, जिसके बाद उसे सुजालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। खजराना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर चंद कदमों के फासले पर साइकिलिंग करते हुए घर जा रहे अधिवक्ता साजिद अली की एक ऑटो से कटबाजी हुई थी। विवाद बढ़ा, नशे में धुत बदमाश तरबेज ने एक के बाद एक अधिवक्ता साजिद अली पर कई जानलेवा वार किए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कई ठिकानों पर दी दबिश, जिसके बाद उसे सुजालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। सर मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मेरे 5 मिनट के गुस्से की वजह से सर मुझे सजा मिल रही है, माफी चाहता हूँ सर, अपनी तरफ का ऐसा और कोई भी ऐसा इंसान ऐसा जुर्म में नहीं करा है। ये 4 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि एक अधिवक्ता जो है साजिद अली, वो अपने नमाज़ पढ़ के लौट रहे थे और उनको एक ऑटो ने जो है कट मारी। उसकी बात को लेकर कहा सुनी हुई और उसमें जो आरोपी तबरेज़ है उसने उन पर चाकू से हमला किया और जिससे वो घायल हुए गंभीर रूप से, और पुलिस ने उस पर धारा 307 का प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया। आरोपी की हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे, वो ऑटो लेके भाग गया था और उसकी तलाश में हम लोगों ने देवास, नेमावर, शाजापुर और सभी जगह छापे मारे। सुजालपुर में उसकी जानकारी मिलने पर पुलिस दल हमारा गया और उप निरीक्षक रितेश यादव और उनकी टीम ने उसको बहुत ही कुशलता से उसको जो है दबोचा, लेकिन फिर भी वो दौड़ने भागने में उसको पेड़ पे चढ़ गया था वो, और वहाँ से गिरने से उसको चोटें भी आईं। हमने उसका इलाज भी करवाया और अभी इसको हम लोगों ने न्यायालय पेश किया है। बदमाश का क्या पूर्व में कोई रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड या नशे का आदि किस तरह? नहीं, उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और नहीं उसके खिलाफ कोई भी शिकायत है आज तक, और नहीं वो कोई नशा करता है। लेकिन ये तत्कालिक आवेश था या जो गुस्सा जो कह सकते हैं, उसके कारण उसने ये गंभीर घटना कारित की। इसका उसको खेद भी था और उसने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, आम जनता से भी माफ़ी मांगी।